अस्सलाम वालेकुम। हम रुबाइयत बाबा तहरुरिया पढ़ रहे हैं। आज हमने 12वीं रुबाई जो है वो पढ़नी है। पढ़ते हैं। ज़िकिश्ती खातरम जुज गम न रवियो, ज़िबा गम जुज गुल मातम न रवियो, ज़िसहराये दिल भी हासिल मो, गिया ना उम्मीदी हम ना रिव्यू। ज़िकिश्ते खातरम, खातर कहते हैं दिल को, खातरम मेरे दिल की खेती में, जुस सिवाए गम गम के, ना रवियो ये नरवीद है नहीं उगता, मेरे दिल की खेती में गम के सिवा कुछ नहीं उगता। ज़िबा गम जुस गुल, ज़िबा गम मेरे बाग में जुज गुले मातम, गुल कहते हैं फूल को, मातम के फूल के सिवा न रवीद कुछ नहीं उगता। जैसे रोये दिल भी हासिले मन, मेरे बंजर दिल के सहरा में, जैसे रोये दिल भी हासिले मुँह मन, मेरे बंजर दिल के सहरा में, गियाए ना उम्मीदी हम न रवीद, ना उम्मीदी की घास के सिवा कुछ नहीं उगता। इस रुबाई में शायर की कनूतियत और नाउम्मीदी की झलक साफ दिखाई देती है। ये पूरी की पूरी रुबाई जो है वो नाउम्मीदी का मुंह बोलता सबूत है, शिकस्तगी का सबूत है। तो इस पर मायूसी का आलमतारी है। वो गम इश्क में सरशार होकर कहता है कि मेरे दिल में खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं बल्कि गम ही गम है। अगर मैं दिल की खेती तसव्वुर किया जाए तो इसमें गम के सिवा कुछ पैदा नहीं होता, मेरे दिल के मातम के फूलों के सिवा कुछ नहीं उगता। शहर गमों से इस कदर उगता गया है, इतना बेजार हो गया है कि उसे कहीं भी तारीख शब के बाद रोज़ रोशन की उम्मीद नहीं नज़र आती। वो उस पर नाउम्मीदी का एक कैफे तारी हो चुकी है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी के किरण कहीं भी उसे सुझाई नहीं देती और वो अपने आप को बड़ा मायूस और नाउम्मीद तसव्वुर करता है। अगली रुबाई पढ़ते हैं। अगर दर्दम यकी बूदी चे बूदी, व अगर गम इंदकी बूदी चे बूदी, बेबालीनम हबीबम या तबीबम, आज इन दोगर यकी बूदी चे बूदी। अगर दर्दम, अगर मेरा दर्द यकी बूदी बवदी, अगर मेरा दर्द एक होता चे बवदी तो क्या होता। व अगर गम इंदकी, और अगर गम इंदकी बवदी, अगर मेरा गम थोड़ा सा होता चे बवदी तो क्या होता। बेबालीनम मेरे सरहाने, हबीबम या तबीबम मेरे हबीब या मेरे तबीब, आज इन दो गर यकी बवदी चे बवदी, इन दोनों में से एक होता तो क्या होता। कोई आशिक जब गमेश में मुबतला होता है उसे दुनिया के तमाम गम जो हैं वो भूल जाते हैं। वो जो इश्क है, जो लाफानी इश्क है, जब एक आशिक के दिल पर तारी होता है तो सारी दुनिया का गम उसके सामने हेच हो जाते हैं। इस रुबाई में भी बाबा तहरुरिया ऐसे गम की तालीम है। वो कहते हैं कि अगर मुझे हज़ारों गमों दर्दों की बजाय सिर्फ इश्क का एक गम लग जाए तो मेरे लिए वही बहुत है। तो वो कहते हैं कि अगर तमाम इतने ज़्यादा गमों की बजाय मुझे कम गम होता तो कितना अच्छा होता, मेरे इस दर्द के इलाज के लिए मेरे सरहाने मेरा महबूब और या फिर मेरा तबीब होता तो क्या अच्छा होता। खबर इसमें शायर कहते हैं कि माना के तगाफुल न करोगे लेकिन, माना के तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसमें शायर जो है उसको जब वो अपनी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म कर बैठता है, जब वो सोबतें हिजर की सोबतें बर्दाश्त कर करके उसकी जान जो है वो लनबों पर आ जाती है, तो वो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उसका महबूब, उसका जो हबीब है जिसे वो मोहब्बत करता है, चार करता है, वो उसके सराहने हो, या उसका इलाज करने वाला जो उसका महबूब है उसके सराहने हो, वो दोबारा ज़िंदगी तरफ लौट आने की मुजदा सुनाता है। तो वो कहता है शहर के दर्द का इलाज उसके महबूब के विसाल में है, क्योंकि वो हिजर की सोबतें उसे निढाल किए हुए हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में कोई रमक नज़र नहीं आती क्योंकि वही उसका महबूब और वही उसका तबीब और मौलिज है।
बेटे आज ये आपकी दो रुबाइयाँ थीं जो हम तर्जुमा और तशरीह के साथ पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी रुबाइयाँ जो हैं हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।